जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से हम ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अपने अपने स्टाइल में। एट द एंड ऑफ द डे जब हम लॉग ऑफ करते हैं तो हमारी नेक और बैक ऑलरेडी काफ़ी स्टिफ हो चुकी होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जो आप 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं और यकीन मानिए उसके बाद आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या है, लुक ओवर योर शोल्डर। देखिए मैं स्ट्रेट खड़ा होके और सिर्फ मैं अपनी नेक बेंड करूँगा। नेक कैसे बेंड करनी है मुझे अपने ट्राई करना है कि अपने शोल्डर के इस साइड में देखना है, यहाँ पर देखने का। ओके, तो देखिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं यहाँ ऐसे देखूँगा और अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप हल्का सा पुश कर सकते हैं। होल्ड करिए 20 सेकंड्स, सेम दूसरे साइड से। ओके, एक बार ये हो जाता है तो दूसरी आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, आपको ये हाथ पीछे रहना है, ठीक है, और ये वाला हाथ अपने ऐसे यहाँ पे सामने से करके सामने से यहाँ ले जाना है और हल्के से ऐसे नीचे प्रेस करना है तो आप एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे अपने यहाँ पर। और कोशिश करिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ये वाली पॉकेट देखने का। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने हाथ पीछे लेकर और यहाँ सर नीचे आपका यहाँ का यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ साइड में देखने के बाद ट्राई टू लुक ओवर योर अपोजिट पॉकेट, सेम स्ट्रेच करके रखेंगे 20 सेकेंड्स तक, सेम दूसरे साइड से। ये वाला हाथ पीछे ले गया ये ऐसे, ठीक है, और देखिए पीछे से आपको देख सकता हूँ, ये ले गया मेरा हाथ पीछे से। तो आप एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे अपने इस एरिया में, बैक साइड ऑफ द नेक। जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है मुझे अपने जो मेरे फिंगर टिप्स हैं, ठीक है, जो मेरे फिंगर टिप्स है उससे मुझे अपनी नेक को ऐसे मसाज करना है किसी से। ये आपको एकदम प्रेस करते हुए जो भी मसल है यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है। और अगर कहीं पे आपको बहुत दर्द फील हो रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मेरी मसल बहुत स्टिफ है, तो वहाँ पे आप ऐसे प्रेस करके रखिए बहुत थोड़ी देर तक, ठीक है, लाइक दिस। अगर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा नीचे है तो नीचे एकदम अंगुली ऐसे गड़ा के प्रेस करके रखिए 10 सेकेंड्स, रिलैक्स, और फिर सेम विद अदर साइड। तो मैं ये फिंगर टिप्स से कर रहा हूँ कि मैं हाथ नहीं रख रहा हूँ, ये फिंगर टिप्स को मैंने टाइट किया हुआ है। उसके बाद ये करके यहाँ पे मुझे थोड़ा स्टिफ लग रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसे प्रेस करके रखूँगा। सो गाइस, जो हमारी थर्ड सेट है एक्सरसाइज का वो है बैक की एक्सरसाइज। उसमें पहली एक्सरसाइज है वो है कैट कैमल। तो मैं पहले आपको फ्रंट से दिखाता हूँ फिर साइड से दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको ऐसे ही रहना है। उसके बाद आपको अपनी बैक को ऐसे करना है, स्लोली ऊपर होल्ड करना है, थोड़ा नीचे होल्ड करना है, नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, कोशिश करिए कि अपने पाँव स्ट्रेट रखिए। अगर आप इतना नहीं आ पा रहे हैं तो आप इतना भी आ रहे हैं तो इतना ही आइए, लेकिन जो आपका हेड है उसको आपको नीचे पूरा बेंड करना है जितना हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप ये कर रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि नीचे देखिए, कोशिश करिए कि आपका जो फोरहेड है वो नीचे टच हो, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा तो आप जितना कर सकते हैं। तो जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हम आगे बैंड हुए थे, राइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पीछे को बैठ लेंगे। तो जितना आप हो सकते हैं सिर्फ उतना होना है। देखिए अगर आप ऐसे खड़े हुए हैं, अगर आप इतना जा सकते हैं तो सिर्फ इतना ही जाइए, ठीक है, अगर आप और पीछे जा सकते हैं सो गाइस, जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो है साइड में। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ऐसे रहना है, लेग्स वाइड स्प्रेड करने हैं और ऐसे होल्ड करके रखना है 20 सेकेंड।
सो गाइस ये थी वो बेसिक एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। आप लॉग आउट करने के बाद रोज एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ये हार्डली आपके 5 से 10 मिनट लेंगी। और अगर आपको बैक में ऑलरेडी, नेक में ऑलरेडी पेन है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो, द लिंक विल अपीयर हियर। तो उसमें नेक स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लेट मी नो विद द लाइक बटन, और आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।